वीडियो को आप एंड तक देखना। अभी तक प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को ज़रूर बजा देना। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका, प्रियंका गुप्ता के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना। और दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। और आज मैं अपना और यहाँ पर मैं पानी के नल आ जाते हैं तो पानी भरना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं ये कोई कलसा बोलता है, कोई कुछ और भी बोलता है, हमारे यहाँ तो कलसा बोलते हैं, कोई घड़ा, ऐसा सब बोलते हैं। तो मैं इसको तो बांध कर और छान कर भर लेती हूँ पानी। दो तीन बर्तन पड़े हुए थे तो मैं कि चलो इसको साथ में ये साफ कर लें, तो ये भी साफ करते जाएँ। और डेली रोज ताज़ा पानी इस वजह से हम आता है, या सर्दियों में तो 24 घंटा चलता रहता है, इसलिए गर्मियों में कटौती हो जाती है। अभी तो यहाँ पर आ रहा है, पहले जहाँ रहती थी वो कभी कभार वहाँ नहीं आता था पानी, फिर यहाँ तो आता है, 24 घंटा पानी आता रहता है। फिर यहाँ पर मैंने एक कलसा को साफ कर लिया, जो बाकी जो बर्तन पड़े हुए थे तो उनको भी साफ कर दिया है। और यहाँ पर मैं छान कर फिर पानी भर लेंगे। और शब्द भी एक भोजन की तरह होते हैं, जो भोजन में जब बनाते हैं ना खाते हैं ना तब अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह एक शब्द होते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं। कभी कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है तो मन को अच्छा नहीं लगता है। और जो नाश्ता हो गया था उसके जो बर्तन निकले थे, यहाँ मैंने उसके बर्तन साफ कर रख दिए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने पानी वर्कर भी रख दिया है। और बस अब अपना जो काम है रूटीन का, आज मैं नहा धोकर ही सीधे डायरेक्ट आ गई थी, तो कोई भी वैसा हमने आपके साथ शेयर नहीं किया है और ना ही आपको मैं लंच में कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बस आपको बताएंगे आज मैंने क्या बनाया है। और आज मैंने अरवी की सब्ज़ी सूखी वाली, ये अलग तरीके से बनती है, आप लोग कहोगे तो उसके कमेंट में बता देना तो उसकी रेसिपी दे देंगे। और कल मेरे बेटे का जन्मदिन है तो आप उसको आशीर्वाद देना कमेंट में, और कमेंट तो करते नहीं हो तो कल ज़रूर करना। 2 तारीख को मेरे बेटे का अक्षर का जन्मदिन है, उसको आशीर्वाद आप सभी को ज़रूर देना। यहाँ पर मैंने सूखी के अरवी की सब्ज़ी, रोटी और रायता बनाया हुआ था और अपने भगवान का भोग लगा दिया था, और घर में हम लोगों ने भी हम और लंच हो गया था।
का जो किचन की क्लीनिंग हो गई थी और बर्तन वगैरह साफ हो गए थे, और ये गाय की रोटी है इसी में से रख दूँगी, और जब जाएंगे तब वो गाय को खिलाएंगे। बस यही होता है, ये मेरा सारा काम हो गया है। अब अक्षत को थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर उनकी मस्ती चालू रहती है। क्या चाहिए? इन्हें स्कूल जाना है, बैग चाहिए और कोटी वाली यूनिफॉर्म चाहिए, और लंच बॉक्स चाहिए, और पानी की बोतल चाहिए। स्कूल जाने स्कूल बस से यहाँ बोले बाथरूम में जाके नाई नाई करके हम स्कूल जाएंगे, अब जो जब से ही लगे। अब दीदी क्यों कह रहे हैं कि हम ये खिलौना लेके जाएंगे? अब देखो बुक ले ली, पेंसिल ले ली, पढ़ाई चल रही थी, बस याद आ गई खिलौनन की, सब अपनी खिलौना लेके बैठ गए। स्कूल जाने बोलो, हम बोला कि डैडू से बोला स्कूल जाए तो नो नो डरा रहे हैं। जॉनी जॉनी रानी है उसका जीवन पानी है, लगाओ डर जाएगी। पर इन्हें पढ़ाने बैठा रहा था तो ये मस्ती करने लगे, मस्ती कर रहे हैं अपनी, फिर यहाँ खेलने के बाद इन्हें सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं जनाब। नहीं गा रहा गाना, जस गा लिया उसने जितना गाना था। आज आपको मेरी जूड़ा कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताना। ये नए तरीके से मैंने जूड़ा और आगे वाली डिजाइन की तरह का मैंने जूड़ा बनाया है नए स्टाइल में, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कहोगे तो मैं आपके साथ ये शेयर जरूर करूँगी कमेंट में, ये भी बताना। और ये मेरा पूरा लुक था जूड़े का और आगे वाली डिजाइन का। आज हमने जूड़ा बनाया देखो इस स्टाइल में, आपको तो कैसा लगेगा कमेंट में बताना, ठीक है? से उदम मस्ती करने के बाद अब सोया है, करीबन 4 बजे पूरे दिन उदम करता रहता है, अभी सोया है। और देख कितने सोते हुए बच्चे कितने मासूम लगते हैं, और इनके खिलौने ऐसे ही पड़े रहते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ, और एसी चलाएंगे और अपने। तो अब वीडियो का एंड करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं तक रहता है, अगले वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे। और अभी तक प्रियंका गुप्ता किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हो तो प्रियंका गुप्ता किचन को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना। और